उत्तर प्रदेश जिला बरेली में जिलाधिकारी से डूंडा में मकान दिलाने की मांग की। फार्म के नाम पर आने के बाद पार्षद नहीं मिलने देता आवास। आपको बता दें, जिला बरेली में तोयरान पत्नी अनवार निवासी वार्ड नंबर 18 नवाबगंज की हैं। 2016 में डूंडा में मकान दिलाने को आवेदन किया था। तोरान ने जिलाधिकारी की बताया कि वो पात्र हैं और तिरपाल डालकर रह रही हैं। डूंडा के बाबू और कर्मचारी सभासद इनको आवाज नहीं मिलने दे रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। तोयरान खुशमुदी आसिफ जहां नाजमा राजिया ने बताया कि वो बहुत गरीब हालत में है, रोजी रोटी के लाले हैं, इसलिए मकान हमारी समस्या ये है चलाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को हमने ऑनलाइन कराया तब भी हमारा नाम आया और हमने ऑफलाइन कराई उसमें भी नाम आया। नगर पालिका में ये लोग जाते हैं जो पैदा अपने घर पर ले जाती है मेंबर हमारे वार्ड की, हमारा उससे थोड़ा सा झगड़ा है इसलिए हमारा वो काम होने ही नहीं दे रही। 10,000 रुपए 5,000 रुपए जो लोग देते हैं 15,000 उन लोगों का करा रही है और मुझसे कहती है तुझे करा मिले तो करा ले, और जहाँ तहाँ मुझे उसके बच्चे धमकी देते हैं। कहाँ का मामला है? नवाबगंज नई बस्ती वार्ड 17 वार्ड। सभासद है वो? हाँ सभासद। क्या नाम है सभासद? जुबैदा। जुबैदा ही नहीं होने दे रही। जितने लोग आते हैं, कितने लोग आए हैं? हम 7 लोग हैं। किसी को नहीं मिला? नहीं किसी को नहीं मिला। आप हमारा घर देखे यहाँ के? प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ जी कमरे की समस्या है, कमरा नहीं आ रहा अभी तक, वो मेम्बर साहब आने नहीं दे रहे हैं और जो पैसे दे रहे हैं उन्हीं का ही आ रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, हम किराए पर रह रहे हैं कहाँ से दें पैसे, जो कमरा ही नहीं आ रहा तो परेशान। हाँ नाम आ गया है हमारा यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, हमारा नाम मार गया। हमारी बहनोई भी खत्म हो गई, शादी करी फिर शादी नहीं। हाँ कोई कमाने वाला नहीं है हमारा, हम बहुत ज्यादा परेशान हमारा। हाँ एक भाई था वो उसका भी इंतकाल हो गया। आपको भी नहीं मिला? हाँ हमें भी नहीं मिला, बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे अंदर व्यवस्था बाहर व्यवस्था वैसी अंदर व्यवस्था, हमारे यहाँ गिरने का डर है हमारा तो।